के दो लव बर्ड्स हर्षद चोपड़ा और श्रुति झा एक समय पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहकर प्यार के नगमे गाया करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एक दूसरे के साथ हमेशा प्यार में डूबे रहने वाले हर्षद चोपड़ा और श्रुति झा आज एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच जो ये दोनों एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करने लगे हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं। मगर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हर्षद चोपड़ा टीवी इंडस्ट्री के काफी हैंडसम अभिनेता हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी की बदौलत कई सारे फेमस शो में दमदार रोल हासिल किए और खूब पॉपुलैरिटी बटोरी। वहीं श्रुति झा टीवी इंडस्ट्री की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग की बदौलत टीवी इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बनाया है और काफी सारी पॉपुलैरिटी हासिल की है। पर आपको बता दें कि हर्षद चोपड़ा और श्रुति झा एक समय पर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जहां बात करें दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत के बारे में, तो आपको बता दें कि इन दोनों की पहली मुलाकात दिल से दी दुआ सौभाग्यवती भव सीरियल के सेट पर हुई थी, जहां ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। मगर धीरे धीरे काम करते करते ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए, जिनकी ये दोस्ती कब धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई दोनों को पता भी नहीं चला। पर जब दोनों को प्यार का एहसास हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। मगर इन दोनों के प्यार के बीच में तड़का लगाने के लिए कोई और नहीं बल्कि हर्षद चोपड़ा के क्लोज फ्रेंड कुणाल करण कपूर आए, जिनके साथ श्रुति झा दोस्ती की वजह से काफी क्लोज होने लगी थी, जिनकी ये क्लोजनेस हर्षद को पसंद नहीं आई और हर्षद खुद श्रुति से दूर होने लगे। पर श्रुति झा को लगा कि हर्षद ऐसा किसी और लड़की की वजह से कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी में आ चुकी है, और यही वजह रही कि श्रुति झा ने भी हर्षद चोपड़ा से किनारा करना शुरू कर दिया और दोनों के बीच में फासले आने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया। और तभी से दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते हैं और अब ये आलम है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ना ही तो काम करना चाहते हैं और ना ही कभी एक दूसरे के आसपास भटकना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप के खत्म होने की वजह क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।